आप लाशें गिनो। और हर वर्ष इसी प्रकार से पूरे मुंबई में कहीं न कहीं ये खबर मिलते ही रहती है कि बिल्डिंग या महला गिरा, जिसमें दर्जनों लोग एक झटके में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लेते हैं। अब इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? तो आप जान लें कि हकीकी जिम्मेदार तो वही लोग होते हैं जो इस प्रकार के इल्लीगल तरीके से बने मकानों में रहते हैं। तो जब मरने वाला खुद जिम्मेदार है तो फिर प्रशासन की तरफ से मुआवजा क्यों? तो आइए अब मुआवजा देने वालों का भी सर्वे कर ही लेते हैं। क्या मुआवजे में जो राशि मिलती है वो जनता के लिए भीख में है? क्या मरने वाला मुआवजे की राशि का असली हकदार होता है? और फिर तीसरा सवाल आता है, क्या मुआवजा देने वाला इस बात का सबूत देता है कि इन सारी मौतों का जिम्मेदार हम और हमारा डिपार्टमेंट है? तो आइए इस बात का भी सर्वे कर ही लेते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र में बने जो लीगल बिल्डिंग हैं वो ज़्यादा गिरती हैं या फिर हर साल सिर्फ और सिर्फ इन लीगल बिल्डिंगें ही ज़्यादातर गिरती हैं। तो कॉमन सेंस की बात यही है कि ज़्यादातर इन लीगल बिल्डिंगें ही गिरती हैं और सरकारी मुआवजा भी उन्हीं को मिलता है। तो फिर क्या ज़रूरत है राज्य सरकार को इस इन लीगल मकानों में रहने वालों को मरने के बाद मुआवजा देने की? तो आप जान लीजिए, बात आईने की तरह बिल्कुल साफ है। जब ये इलीगल मकानें बनती है तो सरकारी कर्मचारियों की देखरेख में रहती है, लेकिन ये अधिकारी उसे नज़रअंदाज करने की इतनी मोटी रकम लेते हैं कि उनको तब तक नहीं दिखाई देता जब तक कोई बड़ा हादसे में तब्दील न हो जाए। और जैसे ही कोई बड़ा हादसा होता है तो ये अधिकारी जनता की आंखों पर उसी तरह की एक मुआवजे की मोटी पट्टी लगा देते हैं, जैसे कि इनको मोटी रकम पहले इल्लीगल मकान बनते समय मिलती है। तो सौदा समझो बिल्कुल क्लियर है, लेते समय मोटी रकम लेने वाला आपके मौत के बाद आपको एक छोटी रकम दे देता है और हिसाब बराबर। और मलाड की ये तस्वीर इसी बात का प्रमाण है। अब आपको कुरला लेकर चलते हैं। अभी हाल ही में गुलाब शाह स्टेट में आज से 2 माह पहले 7 अप्रैल को एक भीषण आग लगी थी, जिसमें लगभग 150 छोटी पटी ऑटोमोबाइल की दुकानें पूरी तरह से जल गई थी। और आज भी इस अग्निकांड की इंक्वायरी चल रही है। कमाल तो ये है कि इंक्वायरी के बीचों बीच सभी घायले 2-2, 3-3, 4 माले का निर्माण भी कर लिया गया है। अब जरा सोचिए, अगर मलाड की तरह फिर कोई बड़ी दुर्घटना हुई तो मुआवजे का खेल राज्य सरकार लेकर तैयार रहेगी और इन्हें जानमाल से क्या लेना देना। यहाँ के लोकल रहवासियों का माने तो सूत्रों से जानकारी मिली है कि यहाँ एक लोकल लीडर भी रहता है जो स्वयं घोषित समाज सेवक है, जो इन लीगल कार्यों की देखरेख करता है। बिचौलियों की भूमिका निभाने वाला सलीम खान उर्फ नेताजी, जो पूरे एरिया का मास्टरमाइंड बना हुआ है, यहाँ बैठे तमाम अधिकारियों की अपनी जेब में रखता है और इनकी जेब गर्म करने के लिए ये तमाम दुकानदारों के अवैध निर्माण की जिम्मेदारी ठेका उठाता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सलीम खान उर्फ नेताजी एक गाले का लगभग 50-50 हज़ार रुपया अधिकारियों को देता है। तो जरा सोचिए, अगर एक गाले का 50 हज़ार रुपया और 4 टुकड़ों में बांट दिया जाए, 4 माले का बना दिया जाए, तो लगभग 8-10 लाख रुपया अधिकारियों के पास पहुंचता है। तो फिर अगर 10-15 सालों में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो 1-2 लाख देने में इन्हें तकलीफ कैसी? फिर बार बार भले ही मलाड जैसी कोई भी घटना घटे, लेकिन इनको तकलीफ नहीं होने वाला। ऊपर से सलीम खान जैसे, नेताजी जैसे तमाम ऐसे दलाल हैं जो बीएमसी कर्मचारियों को करप्ट बनाने के लिए बैठे हुए हैं और फिर से यही नव निर्माण को भी जन्म देते हैं। तो फिर नुकसान किसका? तो आपके टीवी स्क्रीन पे यही वो मकान है जो मलाड में गिर के ध्वस्त हो गया, जहाँ से लाशों के ढेर लग गए, जहाँ जनाजों की लाइन लग गई। अब इंतजार करें, कुरला वासी भी, मलाड वासी, बांद्रा वाले भी, सभी को मुआवजे मिलेंगे और बदले में अपनी जान देनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस को सलाम।